नमस्ते टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर किस स्टेज का अभयारण्य वन्य जीव जो है वो कहाँ पर किस नाम से है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना, और इसमें देखेंगे हम ट्रिक्स भी थोड़ी सी, इनको पहचानने की याद रखने की जो ट्रिक्स होते हैं हम बना लेते हैं कोई भी नाम कोई भी वर्ड उससे हम इसको समझेंगे। तो पहला हमारा काजीरंगा। काजीरंगा अभयारण्य जीव का जो प्रदेश है वो असम है। काजीरंगा मानस और गर्म पानी तीनों का जो स्टेट है वो असम है, तीनों का ही। अब अगर इसके हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक से पहले तो यही कि अगर हम खुद से ही बनाएं, जो पढ़ रहा है स्टूडेंट वो खुद से बनाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमें अपनी बनाई हुई ट्रिक अपनी हुई बनाई तरीका ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। बाकी ट्रिक्स सबकी हर किसी को देखो तो हर कोई अलग अलग बताता है। तो यहाँ पर हम अगर कहें तो इसे अगर हम ट्रिक देना चाहें तो असम का काजी मानस मांगे गरम पानी। हम कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक इसकी बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि काजी मानस गरम पानी मांगता। ये जो है ये इम्पोर्टेंट जो दिए हुए हैं ये वाले जो उद्यान के नाम बारे में बताऊंगे, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिलेक्टेड है वो यही 30 के 30 हैं। तो इन्हें ही अगर पढ़ लेंगे तो इनमें से कोई ना कोई आता जरूर है। नेक्स्ट, अपने हिसाब से कुछ भी हम बना सकते हैं, जैसे काजी मानस गरम तो बना लेते हैं, कामा गरम कुछ भी बना लीजिए अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट है नाम दफा पप्पुई। नाम दफा यहाँ पर मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, इस वजह से काजीरंगा उद्यान है या मानस उद्यान है या गर्म पानी वन्य जीव उद्यान ही पूरा नहीं लिखा मैंने, ये शॉर्ट शॉर्ट में अगर पहले वर्ड याद रखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है। तो नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य या पक्की वन्य जीव अभयारण्य भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बोल रहे नाम दफा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, पक्की कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। हम शॉर्ट शॉर्ट नेम स्टार्टिंग के याद कर ले, बाद में वही वर्ड रहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसका इसका हम कर सकते हैं ट्रिक, जो अरुण का नाम पक्का, ये दोनों अरुणाचल के इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा हैं और भी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं। नेक्स्ट आता है दुधो और चंद्रमा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टैट में, टैट सुपर टैट टैट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चंद्रमा और दुधवा दोनों जो है वो हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य हैं। और इनका कह बोले तो उत्तरी दुधिया चांद, उत्तर का दुधिया चांद कुछ भी हम अपनी तरह से बना सकते हैं, चांद दुधवा कुछ भी जो आपको इजी लगे जो आप कैच कर सकते हो। जिम कार्बेट नंदा मारन ये तीनों ही कहाँ है उत्तराखंड में, तीनों ही उत्तराखंड में है जिम कार्बेट नंदा मारन। तो उत्तर का न, न से नंदा, म से नमाजी, उत्तर का नमाजी, ये हमारा जिम कार्बेट उत्तराखंड का क्या हुआ उत्तर का नमाजी, न से नंदा, म से मालिन, जी से जिम कार्बेट। जिम कार्बेट तो पता ही रहता है सबको, सिमलीपाल है उड़ीसा का, उड़ीसा। और इसका तो सिर्फ ये एक इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है एक, तो इसका कर सकते हैं उड़ी सिमली, सिमली उड़ी कुछ भी कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, उड़ाना है बस सिमली को। नेक्स्ट है पेरियार बेनाड, पेरियार बेनाड है केरल के, और केरियार का पेरी है बेन है, तो लिख दिए ऐसे लिख देते केरल की पेरी बेन, पेरी बेन लिख दो या परी बेन लिख दो, पेरी बेन बेन बहन को बोलते हैं, या परी बेन लिख दीजिए, परिवन लिख दे, परिवेन लिख दे, तो ये केरल के परिवेन। नेक्स्ट हमारा उधर आते हैं बांदीपुर तुंगभद्रा नागरहोल, ये तीनों ही कहाँ
खाते हैं हमारे कर्नाटक प्रदेश में, ये तीनों ही हमारे कर्नाटक प्रदेश में होते हैं। अब इसकी ट्रिक बनाए तो बातू नागर क्या बना सकते हैं, बातुनी नगर बोल सकते हैं इसको बोले तो, अगर बातू नागर सिंपल सा वर्ड बना लीजिएगा ना, बातू नागर करके बना लीजिएगा, बात तो वर्ड हमें बनाने की है। और खग खगचन जेंदा जो है ये हमारा सिक्किम का, तो सिक्किम का ठग जैसे होता है उससे बना लेते हैं, का खग पक्षी होता है खग। दाची ग्राम है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है दाची ग्राम जम्मू कश्मीर। तो अब इसे जम्मू का दाची, जम्मू का दाची कह सकते हैं, या हम दूसरा बनाना चाहें तो कश्मीर का ग्राम लिख सकते हैं, जम्मू का दाची। दूसरा बनाना चाहें हम कश्मीर का गांव लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हजारी बाग और बेतला, ये दोनों हमारे आते हैं झारखंड में, हजारी बाग और बेतला दोनों ही आते हैं हमारे उसमें झारखंड में। तो क्या कहते हैं झारखंड, ये हजार बात कर लो इसको, झारखंड की हजार बात, झारखंड की हजार बात, कुछ भी बना लीजिए आपको शॉर्ट लगे जो इजी लगे कुछ भी बना सकते हैं। मेरा कोई पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं पर देखा नहीं है, मैं तो हाथों हाथ बना रही हूँ कि जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बनाती जा रही, बाकी मेरा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कहीं पढ़ा हुआ है। पंचमणी माधव कान्हा किसले फांसी सतपुड़ा और बांधवगढ़, ये इतने हमारे हैं, पंचमणी बांधव माधव कान्हा किसले फांसी सतपुड़ा बांधवगढ़, ये हमारे हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के हैं ये सारे हमारे अभ्यारण्य जो है। अब क्या है पांच आ रहा है, माधव पांच माधव सात कान्हा बंधुओं का फैसला, ये मैंने इस तरह से ही बना लिया, ये मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। पांच माधव सात कान्हा बंधुओं, या बांधव भी लिख सकते हैं इसकी जगह, लिखना चाहे तो बांधव भी वही होता है भाई के लिए, का फैसला। बस सिंपल सा हमने बनाया पांच माधव सात कान्हा बंधुओं का फैसला या बांधव का फैसला। तो पंच माधव कान्हा कान्हा किसने, ये जो यहाँ से स्टार्टिंग हुए हैं आपके, एक तो ये कर्नाटक वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मध्य प्रदेश वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मोस्टली आते हैं। रणथंभौर सरिस्का केवला देव, ये भी ज़्यादा, ये यहाँ से यहाँ तक सब इम्पोर्टेंट है, राजस्थान मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये तीन तो ऐसी जगह हैं कि जो घूम फिर के पूछी ही जाती हैं। तो रणथंभौर सरी ये हैं राजस्थान के, तीनों ही हैं राजस्थान के। और राजस्थान का अगर कह दें तो केसरी मूवी आई थी, केसरी सिंपल केसरी, राजस्थान के कौन से हैं केसरी, केसरी मूवी आई हुई है राजस्थान केसरी। और रासा आइसलैंड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूली समझ लिए, ज़्यादा आता नहीं है तो अब आने भी लगा है ज़्यादा ये वाला, तो रास आइलैंड से अंडमान निकोबार द्वीप, ये है अंडमान निकोबार, इतना ही आप याद कर लीजिए अंडमान निकोबार में। और इसका क्या थे अंडमान की रासलीला कर लीजिए, अंडमान करास, बस ये सिंपल हो जाते हैं, अपने तरीके से बनाए हैं, मैंने अपने तरीके से ही बनाए हैं। बस मुझे लग रहा है उत्तर ये उत्तरी दुधिया चांद ये शायद रहता है, सब यही बताते हैं इसका, बाकी मुझे तो लगता नहीं, मैं तो अभी हाथों हाथ बना दिए इनको, आप भी बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपने से बनाइएगा और इजी वर्ड है ये, इंपॉर्टेंट वगैरह याद रखिएगा। थैंक्स अ लॉट।